नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज हम एक माननीय मद्रास हाईकोर्ट की एक जजमेंट है वो आपके समक्ष लेकर आए हैं और इस जजमेंट में जो एक वर्कमैन से रिलेटेड एक जजमेंट है जिसमें वर्कमैन को टर्मिनेट कर दिया गया था इस ग्राउंड्स पे कि उन्होंने एक जो है एक अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की है अगेंस्ट द मैनेजमेंट, और फिर उसके उस ऑर्डर के अगेंस्ट में फिर जो रेफरेंस दिया गया था लेबर कोर्ट में, लेबर कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी कि लेबर को मतलब जो वर्कमैन है उनको वापस रीइंस्टेट किया जाए। और यहाँ पर यह प्ली ली गई थी कि वर्कमैन है कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, ना ही जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो चल रही थी उस पर ना ही उनको कोई लिस्ट ऑफ विटनेसेस दिए गए, ना ही कोई रिजनेबल अपॉर्चुनिटी दी गई। तो इस ग्राउंड्स पे लेबर कोर्ट ने पाया कि जो जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने जो एक्शन था वो फेयरनेस के साथ साथ था, उन्होंने एकदम ठीक काम किया, लेकिन जो कोर्ट ने पाया, लेबर कोर्ट ने पाया कि जो पनिशमेंट जो अवार्ड की गई थी वो काफ़ी हार्श है, डिसप्रोपोर्शनेट है, उनकी जो ऑफेंस से रिलेटेड जो ऑफेंस अलेज्ड ऑफेंस लिया गया उसे डिसप्रोपोर्शनेट है, तो इसलिए डायरेक्शंस दी कि वापस एम्प्लॉय वर्कमैन को रीइंस्टेट कर दिया जाए और साथ में 50% ऑफ द बैक वेजेस दे दी जाए। और उससे एग्रीबिलिट होके मैनेजमेंट ने आगे रिट अपील फाइल की सिंगल बेंच के पास, सिंगल ऑनरेबल सिंगल जज के ऑर्डर के पास की कोर्ट में, और उस ऑनरेबल सिंगल जज ने जो है लेबर कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। अब उससे एग्रीवेट होकर वापस जो वर्कमैन है उन्होंने रिट अपील फाइल की। आइए हम इस देखते हैं इस जजमेंट में हुआ क्या था और क्या फाइनल वर्डिक्ट आया। तो थोड़ा सा फैक्ट्स को भी समझेंगे और थोड़ा सा लॉ को भी समझेंगे इस जजमेंट के माध्यम से। तो देखिए, ये ऑनरेबल हाईकोर्ट की जजमेंट है जो कि मद्रास की है, जो कि 25 मई 2023 को प्रोनाउंस की गई है, और रिट अपील नंबर 1835 और 2021, जिसमें अपीलेंट वर्सेस रिस्पोंडेंट जो है, और यहाँ पर प्रेसिडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट पांडिचेरी को भी रिस्पोंडेंट बनाया गया। तो यहाँ पर एक लेटर पेटेंट अपील है, जो रिट अपील है एक लेटर पेटेंट अपील है। अब यहाँ पर क्या था इस केस में, अभी उसके कंटेंट्स को समझते हैं। तो ये एक रिट अपील जो है वो 2019 के ऑर्डर के अगेंस्ट में फाइल की गई है, जो कि रिट पिटीशन नंबर 2013 का बताया गया, जिसमें अवार्ड था लेबर कोर्ट का, उसको माननीय एक उच्च न्यायालय जिस सिंगल जज के जो उच्च न्यायालय है उन्होंने इंटरफेयर किया था, सिंगल जज के ने रिट पिटीशन में के जो ऑर्डर दिया गया था रिट पिटीशन में उसमें इंटरफेयर किया गया था लेबर कोर्ट के ऑर्डर को, और जस्टिफाई किया कि जो मैनेजमेंट ने जो टर्मिनेट किया अपीलेंट को, यहाँ पर अपीलेंट जो है वो एक वर्कमैन है क्योंकि इन्होंने एग्रीवेट हुए हैं जो सिंगल जज के ऑर्डर के अगेंस्ट में उन्होंने आगे अपील फाइल की। तो यहाँ से एग्रीवेट होके यहाँ पर अपीलेंट ने इस कोर्ट में अपील फाइल की। अब फैक्ट्स क्या थे वो देखते हैं, क्या थे फैक्ट्स। जो एक वर्कमैन है वो एक सेक्रेटरी थे, जो एक वेलफेयर यूनियन है, एक कंपनी जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी उसके जो मतलब जो इंडस्ट्री थी उसके जो वेलफेयर यूनियन के सेक्रेटरी थे, और उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एक मीटिंग को 2009 में, तो जिसमें एक ऑफिसर का नाम बताया गया जिन्होंने थ्रेटेंड किया था वर्कर्स को कि जो प्रोडक्शन जो है एक हासिया मशीन जो है वो इंस्टॉल की गई थी, उसमें कहा गया था कि इसकी तो प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए। तो जब वर्कमैन थे जो उन्होंने पैसिफाई किया था सारे वर्कर्स को और कहा था कि वो अपनी ड्यूटीज को रिज्यूम करें और सारे इश्यूज को यूनियन के जो इश्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे यूनियन के, और ऑफिसर को साथ को रिक्वेस्ट किया था कि वो यूनियन के इश्यूज को डिस्कस करें, और 3/8/2009 को वर्कमैन को इंक्वायरी नोटिस दिया गया, चार्ज मेमो दिया गया और इसमें फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए, और इंक्वायरी ऑफिसर भी अपॉइंट किया गया, और उन्होंने कहा कि वो जिन्होंने एक रिपोर्ट है सबमिट की जो कि जो जैसे मैनेजमेंट ने विशेष की मैनेजमेंट की जो विशेष थी उसके अकॉर्डिंगली ऐसी ही रिपोर्ट सबमिट की ताकि मैनेजमेंट को सेटिस्फाई किया जा सके, बिना प्रिंसिपल्स जो नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स है उसको कोई फॉलो नहीं किया गया, ऐसा जो है बताया गया है रिट अपील में। और वर्कमैन ने एक एक्सप्लेनेशन सबमिट किया और कहा कि उनको जो इंक्वायरी है वो एक फार्स है,
मींस मजाकी तौर पे की गई है और एक मेजर पनिशमेंट दी गई है, टर्मिनेशन फ्रॉम द सर्विसेज। लेकिन जो मैनेजमेंट थी उन्होंने एक सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया, जो कि अकॉर्डिंग टू द वर्कमैन की बताया गया कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट है टू द ग्रेविटी ऑफ द मिसकंडक्ट। तो मिसकंडक्ट ये थे कि वो शॉप में उन्होंने बार्क्ड किया था और प्रोडक्शन मैनेजर और एचआर एग्जीक्यूटिव्स को होल्ड किया था, जो एक जो मीटिंग कर रहे थे ऑपरेटर्स ऑफ द हासिया मशीन के, और मीटिंग को डिस्टर्ब किया और अब्यूसिव लैंग्वेज यूज की थी एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर के अगेंस्ट में, और एक फ्लिथी लैंग्वेज यूज की थी और इंटिमिडेट किया था एक मतलब जो ऑफिसर्स हैं उनको शिफ्ट कॉलर से इंटिमिडेट किया था और अनप्लीजेंट एटमोसफेयर क्रिएट किया था। तो वर्कमैन ने यहाँ पर अपना बताया कि उनसे विक्टिमाइज किया गया है ट्रेड यूनियन की तरफ से, क्योंकि मैनेजमेंट एक अनफेयर लेबर प्रैक्टिस यूज कर रही थी और जो प्रोविजंस थे मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर जो क्लॉज नंबर 39C इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, तो उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया और अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी गई, जो कि चार्जशीट दी गई थी उसकी भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई उसको। जो डिसमिसल ऑर्डर को चैलेंज किया गया और इंडस्ट्री डिस्प्यूट रेज हुआ और गवर्नमेंट जो पांडिचेरी ने यहाँ पर रेफर किया डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करने के लिए लेबर कोर्ट नंबर 100 को। अब यहाँ पर बताया गया कि मैनेजमेंट का क्या स्टैंड था लेबर कोर्ट में, और यहाँ पर बताया था कि उनको एक अग्रेसिव है सबवर्सिव और टेम्परामेंटल करेक्टर के थे और ऑफिसर्स के साथ उन्होंने वर्ल्ड किया, मीन्स लड़ाई झगड़ा किया। तो यह सारा उन्होंने अपनी सबमिशंस बताई हैं उन्होंने, और सारी जो सबमिशंस थी लेबर कोर्ट में वो बताई गई। लेबर कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को देखने के बाद पाया कि कंक्लूजन पे आए कि मिसकंडक्ट किया गया वर्कमैन ने, लेकिन जो पनिशमेंट है डिसमिसल का सर्विसेज का वो ग्रॉसली डिसप्रोपोर्शनेट है। इसलिए उन्होंने लेबर कोर्ट ने अपनी सेक्शन 11A के अंदर पावर्स को जो इन्वोक किया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की, और जो पनिशमेंट जो इम्पोज की गई थी वर्कमैन में उसे कन्वर्ट कर दिया, रीइंस्टेटमेंट कर दिया कि वो कंटिन्यूटी इन सर्विस माना जाएगा और 50% बैक वेजेस दिए जाएंगे, और जजमेंट्स पर रिलाई किया था। अब उसके एग्रीवेट होके मैनेजमेंट ने रिट पिटीशन फाइल की थी कोर्ट में। अब रिट पिटीशन में सिंगल जज ने ऑर्डर को जो है मॉडिफाई कर दिया, और मतलब मीन्स लेबर कोर्ट के ऑर्डर को चेंज कर दिया, मतलब सेट असाइड कर दिया। और यहाँ पर कंटेंशन ये रखी गई थी कि लेबर जो लर्नर सिंगल जज ने कि जो सेक्शन 11 को रूटीन मैनर पे नहीं यूज करना चाहिए, ना ही जो मॉडिफाई करना चाहिए रिड्यूस करना चाहिए जो पनिशमेंट को, क्योंकि एक लेबर कोर्ट को एक प्रैग्मेटिक अप्रोच थी वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ यूज करनी चाहिए। और लर्नर सिंगल जज ने पाया कि लेबर कोर्ट का जो ऑर्डर है वो कॉन्सनेंस नहीं है एस्टेब्लिश लीगल प्रिंसिपल से, इसलिए ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। अब उससे एग्रीवेट होकर फिर वापस जो अपीलेंट है वर्कमैन उन्होंने यहाँ पर चैलेंज किया और कोर्ट में अपनी अपनी कंटेंशंस यूज की, और कोर्ट ने पाया कि आप यहाँ पे हम इसके जो दोनों पार्टीज के जो सबमिशन सुनने के बाद कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशन थी, वो ये पाया कि वर्कमैन ने कहा कि लर्नर सिंगल जज ने कोई भी मटेरियल्स को जो कंसीडर नहीं किया रिकॉर्ड में जो था प्रॉपर पर्सपेक्टिव में कंसीडर नहीं किया और लेबर कोर्ट के अवार्ड को इंटरफेयर किया। और यहाँ पर फिर सबमिशंस के बाद यहाँ पर कोर्ट ने अब अपनी ऑब्जर्वेशन दी। कोर्ट ने पाया कि जो वर्कमैन थे वो एम्प्लॉयड हुए थे 1999 में और उनको टर्मिनेट कर दिया था कि मिसकंडक्ट कमिटेड जो किए गए, लेकिन चार्जेस जो थे वो थे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस यूज की गई थी अगेंस्ट द इमीडिएट सुपीरियर, और उन्होंने कहा कि कॉलर शिफ्ट को भी होल्ड किया था, तो अब्यूजिव लैंग्वेज जो है वो जो इस तरह से इंटरप्रिटेड नहीं करनी चाहिए ग्रे मैनर्स पे, और यहाँ पर बताया कि वर्कमैन ने अपना जो कंट्रोल है वो लूज कर लिया था, जो कि ड्यू टू द बिहेवियर जो एग्जिबिट किया गया था एग्जीक्यूटिव द्वारा। तो यहाँ पर ये कंटेंशन रेज की थी, पहले भी एक तरह की पनिशमेंट अर्ली ओकेजन में दी गई थी, तो इसलिए जो पनिशमेंट जो इम्पोज की गई है इन द लाइट ऑफ द जजमेंट बताई गई थी गुवाहाटी हाईकोर्ट की, तो उसके हिसाब से वो जो ठीक की गई है। अब यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि पास्ट रिकॉर्ड को अगर देखा जाए
कि जो पनिशमेंट इम्पोज की गई थी वो 2001 में डाली गई थी। जो इंसिडेंट जो हुआ था, जो यहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ था जिसपे उनको टर्मिनेट किया गया था, वो एक डिकेड हो चुका था, मीन्स 21 साल, जो 10 साल के आसपास वो समय बीत चुका था। तो यहाँ से कहीं भी इंटरप्रिटेट नहीं किया जा सकता है कि वर्कमैन ने पहले भी इसके इस दौरान भी मिसबिहेवियर फ्रिक्वेंटली एग्जिबिट किया हो। और अब्यूजिव लैंग्वेज जो है वो सीरियस नहीं है कि जिसकी वजह से उनको डिसमिस किया जा सके सर्विस से। लेबर कोड की पावर होती है इंटरफेयर करने के लिए, लेकिन जो पनिशमेंट थी वो ग्रॉसली डिस्प्रोपोर्शनेट, अगर पनिशमेंट ग्रॉसली डिस्प्रोपोर्शनेट होती है तो लेबर कोड जो है वो सेक्शन 11A की पावर्स को यूज कर सकता है, इन्वोक कर सकता है। इसमें जो है कोई भी कोर्ट जो है इंटरफेयर नहीं कर सकती, अनलेस जो है लेबर कोड की जो फाइंडिंग्स है वो टोटली परवर्स हो। तो ये सारी जजमेंट्स पे थोड़ा सा रिलायंस किया गया। तो यहाँ पर बताया कि अपॉर्चुनिटी दी गई थी मैनेजमेंट को कि वो अपने एस्टेब्लिश करे चार्जेस को। लेबर कोर्ट ने ऑलरेडी पाया कि जो इंक्वायरी थी वो फेयर थी, प्रॉपर थी, तो इसलिए जो फाइंडिंग्स थी कोर्ट की उसको जो उसको वर्कमैन ने भी चैलेंज किया था इस फाइंडिंग्स को, जो कि लेबर कोर्ट ने वर्कमैन के अगेंस्ट में थी, लेकिन सिंगल जज ने उस फाइंडिंग्स रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिले एंड लैचेस पे। और यहाँ पर पाया कि जो वर्कमैन जिन्हें जो वर्ड्स यूज किए थे वो हार्श एंड अब्यूजिव है, लेकिन ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि ग्रुप 3 और ग्रुप 4 एम्प्लॉय से इस तरह की जो इस तरह के बेटर वर्ड्स भी एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते। लेकिन जो पनिशमेंट इम्पोज की गई है अब्यूसिव लैंग्वेज की, वो भी मे बी डिस्प्रोपोर्शनेट है टू द मिसकंडक्ट। और जो जजमेंट बताई गई है वो यहाँ पर बताया कि इंटिमिडेट भी किया गया था यहाँ पर वर्कमैन ने। अब यहाँ पे प्ली ली गई थी कि ऑब्लिगेशन नहीं स्पेसिफाइड होता है और ऑर्डर 41 रूल 22 ऑफ सीपीसी कि वो अपनी क्रॉस ऑब्जेक्शंस जो फाइंडिंग्स दी गई थी लेबर कोर्ट की उसको चैलेंज कर सके। लेकिन यहाँ पर बताया कि सीपीसी के जो प्रोविजंस हैं लेबर मैटर्स में नहीं एप्लीकेबल होते, लेकिन साथ में लेबर इसमें वर्कमैन ने एक रिट पिटीशन भी डाली थी, फाइंडिंग्स को चैलेंज किया गया था लेकिन उसे डिसमिस कर दिया गया था। अब उसको बाद में भी चैलेंज किया गया 2019 में, जो कि जो सिंगल जज ने डिसमिस कर दिया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिले इन लैचेस, क्योंकि ऑर्डर था 2013 का, तो इस ग्राउंड्स पे चैलेंज किया था। तो अब यहाँ पर बताया कि वर्कमैन को एक बेनिफिट दिया गया था लेबर कोड द्वारा कि 50% की बैक वेजेस दिए जाएं। और तो इसको यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया, माननीय जो डिविजनल बेंच ने यहाँ पर ये बताया कि लेबर कोर्ट के पावर थी कि वो रीअप्रिशिएट कर सकते हैं और कंक्लूजन में आ सकते हैं। और लेबर कोर्ट का पूरा राइट है इंटरफेयर भी करना, और जो प्रोविजंस बताए गए हैं सेक्शन 11 इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट के अंदर। और साथ में कोर्ट ने बताया कि कहा कि जो वर्कमैन ने सुपीरियर ऑफिसर के साथ जो बिहेव किया, कॉलर को होल्ड किया, जो कि जिसकी वजह से सडन प्रोवोकेशन हुई, जो कि इससे पाया गया कि अनबिकमिंग ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्कमैन है। तो यहाँ पर कोर्ट ने एक्सपेक्ट कहा है कि एक लो लेवल एम्प्लॉय को किसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बिहेव करे जीसस की तरह, कि वो अपना एक और गाल आगे कर दे कि हाँ एक मतलब फॉर गेटिंग द वॉलेंटरी स्लैप। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अपील में नहीं जाना चाहिए, इस डिस्प्यूटेड क्वेश्चन को। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि हम जस्टिफाई कर रहे हैं एम्प्लॉय को कि उसके जो मिसकंडक्ट को अप्रूव कर रहे हैं, और इसलिए अब यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि जो अब ऑर्डर था, जो लंगरस सिंगल जज का जो ऑर्डर था, उन्होंने इंटरफेयर किया था लेबर कोर्ट के ऑर्डर को। अब पाया कि ये वर्कमैन जो है ऑलरेडी 48 साल के हैं और इस स्टेज पे इन्वॉल्वमेंट्स मिलना बहुत डिफिकल्ट है। एज फैक्टर को क्राइटेरिया को देखते हुए यहाँ पर कोर्ट ने वापस जो लेबर जो सिंगल जज के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और साथ में मॉडिफाई कर दिया कि उनकी जो रीइंस्टेट किया जाए विद ऑल बेनिफिट्स के साथ, लेकिन बैक वेजेस जो बताए गए थे उसको कहा कि वो एंटाइटल्ड नहीं है, लेकिन जो पीरियड है उसे कंटिन्यूस गिना जाए, लेकिन इसमें जो जिस पीरियड में जो जिन्होंने काम किया तो मैनेजमेंट जो है वो पे ना करें प्रोविडेंट फंड के लिए टिल डेट जब तक उनको डिसमिसल किया गया था। और साथ में ये डायरेक्शन दी कि वर्कमैन जो है वो उनकी ट्रांसफर कर दी जाए
कोई दूसरे उस सेम प्लेस पे ना दिया जाए काम, और दूसरी जो फार ऑफ प्लेस है फ्रॉम तमिलनाडु अगर कोई मैनेजमेंट की ब्रांच है तो वहां पर उनको रखा जाए। तो ये एक जजमेंट आई थी जो कि 25 मई 2023 की थी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोज़ बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।